जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी विश्व एक महामारी से गुजर रहा है। प्राचीन जो हमारा सनातन धर्म है उसमें महामारी के विषय में कई उपाय बताए गए। अगर मैं बोलूं कि बीमारी ठीक करने के उपाय तो वो एक अलग तंत्र है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास उसको शुद्ध करने के लिए और अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे विधान बताए गए। आज दो तीन विधानों पर मैं चर्चा करूंगा और एक बहुत ही गुप्त भगवती का मंत्र दूंगा, जिससे अगर आप रोज़ हवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। सबसे पहले भैरव जी के बारे में बताता हूँ। भैरव जो नाम है वो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक मंत्र है तीन अक्षर का। भैरव नाम को भय र व इस तीन भाग में संधि विच्छेद करके जापने से ये एक मंत्र होता है। भय र व ये बहुत गुप्त विद्या है। अभी जिनको ऐसा लगता है कि वो एक साइकोलॉजिकल ट्रोमा से गुजर रहे हैं, बहुत लोगों को भय होता है बीमारियों से, वैसे लोगों के लिए भय र व जाप निरंतर बहुत उपयोगी रहेगा। इसके बाद एक हवन होता है जिसको कहते हैं अग्निहोत्र हवन। अग्निहोत्र हवन में तांबे के हवन कुंड में गाय के गोबर से, मतलब उसमें समिधा गाय का गोबर रहेगा और शुद्ध गाय का घी, चावल और लोबान से अग्निहोत्र मंत्र का हवन करते हैं। ये सुबह सूर्योदय पे और रात जब शाम में सूर्यास्त होता है, ये दो समय अपने घर में करना चाहिए। कहा जाता है, माना जाता है, कुछ लोगों ने सिद्ध किया है, उसको मानते हैं कि ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का कीटाणु जो होता है वो नाश होता है और स्वास्थ्य का विकास होता है। मैंने भैरव मंत्र के बारे में कम बोला, लेकिन ध्यान रखना कि ये एक बहुत ही उच्च स्तर का मंत्र है, ठीक है। तो इसका प्रयोग ना करके इसको सिर्फ अभी खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग प्रयोग करेंगे। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। महामृत्युंजय का जाप कीजिए, मृत्युंजय नहीं, महामृत्युंजय, मतलब उसके आगे में जो बीजाक्षर है और अंत में जो बीजाक्षर है उसको जोड़ करके उसका जाप करें। कल YouTube के माध्यम से मैंने आपको सप्तशती का एक मंत्र दिया था, रोगानशेषण पहंसि तुष्टा, उसका भी जाप करने से रोगों का नाश होता है। अब मैं आप लोगों को वो गुप्त मंत्र बताऊँगा जो गुप्त से भी अति गुप्त है। ये मंत्र ऐसे तो जो तंत्र या भगवती तंत्र में जो माहिर होते हैं उनको दिया जाता है ताकि वो जन कल्याण करें, लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि आप लोगों के पास भी ये मंत्र होना चाहिए। इस मंत्र में क्या करना होता है, इस मंत्र में पहले इसका 1008 जाप होता है और फिर 108 बार हवन होता है। ये निरंतर एक प्रोसेस है। इसको सिद्ध करने का एक बहुत अलग विधान है जिसमें आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये गुप्त मंत्र है तो भगवती दुर्गा का, लेकिन आद्या स्वरूपा दुर्गा का है। तो जिनके घर में भगवती का स्थान बना हुआ है वो सीधे उसके सामने पूजा कर सकते हैं दीप धूप नवेद पुष्प और गंध से। इसको कैसे चढ़ाना है इसका विधान मैंने बताया है। जिनके पास नहीं है वो भगवती का यंत्र बना लें या आद्या भगवती की तस्वीर को रख लें। पूजा शुरू करने से पहले, भगवती को कुछ भी अर्पण करने से पहले आद्या स्त्रोत्र का 7 बार पाठ करेंगे।
आद्य स्त्रोत्र का 7 बार पाठ करने से भगवती का आवाहन हो जाएगा। ठीक है, एक बार भगवती का आवाहन हुआ तो दीप मंत्र से दीपक जला करके फिर से भगवती का आवाहन करें। उसके बाद भगवती को पुष्प दें, नवेद्य दें, दीप दिखाएं, धूप दिखाएं और अगरू चढ़ा दें। इतना करने से भगवती का वहाँ पे स्थापना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसका 10 माला जाप करना और दशांश हवन करना। मंत्र आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, गुप्त मंत्र है और मैं बहुत ही क्लियर आप लोगों को बोल के 3 बार सुना रहा हूँ, इसको लिख लें आप लोग। ओम क्रिम 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 ऐम कुमारी कुहु कुहु मखिले कोलिके ना नुरागे मुद्रा संज्ञ त्रि रेखा कुरु कुरु सततम श्री महामारी गुहिये। फिर से सुनिए, ओम क्रिम 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 ऐम कुमारी कुहु कुहु मखिले कोलिके ना नुरागे मुद्रा संग त्रि रेखा कुरु कुरु सततम श्री महामारी गुहिये। अंतिम बार ठीक से सुनिए और इसको लिख लीजिए, ओम क्रिम 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 ऐम कुमारी कुहु कुहु मखिले कोलिके ना नुरागे मुद्रा संग त्रि रेखा कुरु कुरु सततम श्री महामारी गुहिये। इस मंत्र को आप लोगों को 10 माला करके इसका हवन कर लेना है। अच्छा, 2-3 इसमें नियम है। एक तो ये कि वस्त्र लाल होगा क्योंकि भगवती का श्रवण है, भगवती का ये पूजा है। दूसरा, अगर सुबह आप इस पूजा को करते हैं तो आपके बैठने का डायरेक्शन ईस्ट होगा, और अगर सूर्यास्त के बाद आप बैठते हैं तो फिर आप नॉर्थ की तरफ बैठ के पूजा करेंगे। जिसके घर में देवी प्रतिष्ठित है उसके लिए ये दिशा बंधन नहीं है, लेकिन अगर आपने देवी का स्थापना नहीं किया है और आप सीधे पूजा करेंगे, पुष्प रख करके देवी का आवाहन करेंगे, तो फिर आपको सुबह में ईस्ट डायरेक्शन में देख के पूजा करना है और संध्या में नॉर्थ देख करके पूजा करना है। इसके बाद जो हवन करना है उसमें क्या क्या करना है ये ध्यान से सुनिएगा। रार से और कपूर दोनों को मिश्रित करके, ठीक है, शुद्ध घी, इन तीनों का मिश्रण से आपको 108 आहुति देनी है। ये घर के बंधन के अंदर में ये हवन होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के साथ इस हवन को आप लोग करेंगे और उसके बाद मतलब जितना दिन आप लोग मतलब 10 दिन का संकल्प लें या 9 दिन का संकल्प लें, अभी नवरात्र आ रही है तो नवरात्र में आप कर सकते हैं, इसका संकल्प लें। और इस साधना को करने से इतना तो तय है कि आपके घर में महामारी का प्रवेश नहीं हो पाएगा, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके आसपास वाले लोग भी स्वस्थ रहेंगे। अंत में जो भी भस्म बचेगा वो जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर जो इतना ना कर पाए वो भैरव मंत्र का जाप करें, उससे भी बहुत लाभ होगा। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ये तो जनरल जानकारी है। नंबर है 9431188585। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे जुड़ना है। जिनको अपॉइंटमेंट चाहिए वो www.aghortantrahasya.xyz पर जाएंगे तो वहाँ पर जाने से उनको अपॉइंटमेंट लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत अगर गंभीर विषय है, बहुत ज़रूरी विषय है, तो फिर आप डायरेक्ट भी मुझे मैसेज कर सकते हैं विषय लिखते हुए। हाय हेलो ऐसे लिख करके मैसेज कीजिएगा तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। डायरेक्ट बात करने का एक और व्यवस्था है, कॉल मी फॉर ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उससे आप बात कर सकते हैं। नवरात्र साधना ग्रुप कल लाइव के बाद शुरू होगा, उसमें जो जुड़ चुके हैं वो कल एक बार फिर से मुझसे बात कर लें। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों को रोग मुक्त रखें, ऐसी मेरी उनसे साष्टांग प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।